ठीक है निखिल, बैठो गाड़ी में। बैठते हैं, आपने क्लिच ब्रेक दबाने, लेफ्ट पैर से क्लिच, राइट पैर से ब्रेक, जो आपने सीखा है। गुड, ठीक है, चाबी लगाओ, इग्निशन ऑन करना है, ठीक है। गुड, सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, पहले हैंड ब्रेक नीचे कर दिया आपने, क्लिच ब्रेक दबे रहेंगे, हैंड ब्रेक नीचे किया तो, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड का काम समझते हैं, लेफ्ट हैंड का काम समझते हैं। तो निखिल, राइट हैंड से भी चार काम करते हैं और लेफ्ट हैंड से भी। राइट हैंड से चार कौन से हैं? राइट मिरर और ये स्टीयरिंग और इंडिकेटर और हॉर्न, ठीक है। लेफ्ट हैंड से काम है सेंटर मिरर, गियर, हैंड ब्रेक आपने पहले नीचे कर दिया था, और लेफ्ट मिरर। ये आपकी गाड़ी के रोज के खड़े खड़े काम है। उसके बाद आपने क्लिच दबा के गाड़ी को स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको गाड़ी में? नहीं, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम स्टार्ट करके, पूरा क्लिच नीचे। गुड, बहुत अच्छे। तो निखिल, हम आ गए सेकंड गियर में। लेफ्ट मिरर देखना है, सेंटर देखना है और राइट देखना है। ये देखते हुए आपने एक्टिव रहना है एवरी मिनट एवरी डे। एक्टिव रहोगे तो राशन कार्ड में, भामाशाह कार्ड में, पासपोर्ट में, वीजा में, सीएवी में, पापा की जायदाद में, गर्लफ्रेंड के पास, बीवी के पास, सबके पास बने रहोगे। और थोड़े से लूज हुए तो अखबार में कम हो जाएंगे। बंदा अखबार में पहुंचा तो खबर से दोपहर तक ताजी रहती है, उसके बाद लोग उसमें पकौड़े रख के खा जाते हैं अखबार में। तो आपने क्या करना, एक्टिव रहना है और सबकी जिंदगी में बने रहना है। आगे से लेफ्ट लेफ्ट जाएंगे, हमारा दूसरा राउंड है, इंडिकेटर ऊपर देता हूँ। तो लेफ्ट के लिए हमने ऊपर इंडिकेटर देते हैं, राइट के लिए नीचे। छोटा मोड़ करेंगे क्लिच ब्रेक के द्वारा। किसके द्वारा? तो यहाँ आपने क्लिच ब्रेक को पहले ले लिया, रेस हमने छोड़ दिया। तो क्लिच के द्वारा हम सेकंड गियर में निकल रहे हैं। फर्स्ट गियर भी लगा सकते हैं और सेकंड में भी निकाल सकते हैं, थर्ड में भी निकाल सकते हैं, जैसा आपका कंट्रोल। सामने ब्रेकर या गड्ढा, आधा क्लिच ब्रेक वापस करेंगे, जैसे गड्ढा निकल गया ब्रेक छोड़ेंगे, हल्का हल्का रेस ले लो। जैसे आपने रेस ले लिया क्लिच को छोड़ दो और रेस मेंटेन करते हो हल्के हाथ से। निखिल, सेकंड गियर में हम टर्न करके लाए, कोई दिक्कत आपको नहीं? कितने दिन हुए आपको? फर्स्ट डे आपको, फर्स्ट डे में सेकंड गियर में चल रहे हो, लेफ्ट संभालते हुए, भाई को बचाते हुए, बहुत बढ़िया। और अपने चलते रहो, ये लेफ्ट किनारा मत छोड़ो, ये वाला अपना लेफ्ट किनारा मत छोड़ो, बहुत अच्छे। तो निखिल, लग रहा है मैं आपको सिखा दूंगा? पहले दिन से पता चल जाता है, लाल लाल के पैर पालों में दिख जाते हैं कि बंदे में कितना दम है। बहुत अच्छे। ये गाड़ी आपके सामने ऑटोमेटिक कार, यहाँ पर डिस्प्ले पे आपके गियर शो करते हैं। ऑटोमेटिक कार की पहचान, अगर इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक कार होगी, उसके साइड में लिखा हुआ तो वहाँ लिखा है R&D, मतलब ये ऑटोमेटिक कार है। अगर यहाँ लिखा होता तो क्या होती, गियर वाली कार, 1, 2, 3, 4 रिवर्स, ये लिखा होता है, ठीक है। तो उसमें R&D लिखा हुआ है, R रिवर्स एंड न्यूटन और D ड्राइव मोड, ठीक है। ब्रेक दबा के इस गाड़ी को स्टार्ट करना है। एक बार ब्रेक दबा के चाबी ऑन करो, फंक्शन ऑन हो गए, स्टार्ट करने की कोशिश करो। नहीं हो रही है, गाड़ी गियर में स्टार्ट नहीं होती, वहाँ 1D लिखा हुआ और यहाँ पे भी D मोड पे। इसको ब्रेक दबा के न्यूटन करना है, क्या न्यूट्रल कर लो, न्यूट्रल हो गया, एंड लिख के आ गया। ब्रेक दबाओगे तभी स्टार्ट होगी, करो स्टार्ट, स्टार्ट हो गई, ब्रेक दबा रहेगा और 1 टाइम नीचे कर लो डी मोड पे। डी मोड पे किया, 1D लिख के आ गया। जैसे ही ब्रेक छोड़ेंगे, गियर वाली गाड़ी में हल्का रेस क्लिच करते थे, इसमें ब्रेक छोड़ दो अपनी मर्जी से, छोड़ दिया आपने, ब्रेक फ्री कर दी। आपका हैंड ब्रेक ऊपर था इसलिए गाड़ी नहीं बढ़ी, वापस ब्रेक पुश करो, फिर ब्रेक छोड़ दो और गाड़ी चलने लगी। इंसान गलतियां करता है, मशीन कभी गलती नहीं करती है, चाहे वो घर की मिक्सी हो, प्रेस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो रोबोट हो, आपको वो कमांड दोगे वही काम करते हो। चलते रहिए रेस मेंटेन करके, फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, हॉर्न देते हुए, हॉर्न दो, गाड़ी बैक कर रहा है बंदा, रेस बढ़ा, हल्का हल्का रेस बढ़ाओ, निकाल लो, बंदा साइड दे रहा है, निकाल लो। 20 की रेस बनाना है, कितना बनाना है? जैसे आपने 20 की रेस बनाया, गियर आ गया सेकंड, कौन सा आ गया? सेकंड पर। ना तो आपने लगाया ना मैंने लगाया, ये लगाया मशीन ने, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार, ठीक है। चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे आप धीरे से ब्रेक लेंगे, आपने गड्ढे के लिए ब्रेक लिया,
गाड़ी ले लेगी अपने आप फंस गया। अभी आपने हल्का हल्का मैं करके चलते रहो, लेफ्ट निकट ऊपर, काम वही है, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, राइट के लिए बड़ा मोड़, हल्का सा ब्रेक पुश करो अपने कंट्रोल में, ब्रेक छोड़ दो, ये आगे गाड़ी अपने आप फर्स्ट गियर में, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कार का इधर लेफ्ट जाएंगे, पैर ब्रेक पे रखो, रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ेंगे और ब्रेक लगाएंगे तो आपके गियर निकल जाएंगे, आपको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, रेस मेंटेन करो। और इसको दोनों तरीके से चला सकते हैं, ये तो ऑटो मोड था, अब अगर हम इसको हल्का सा इधर लेफ्ट कर लेंगे, जैसे हमने लेफ्ट कर लिया तो मैनुअल आ गया, यहाँ पर 1 AM लिख के आ रहा है, अभी क्या आ रहा है 1 AM। मैनुअल में क्या होगा, आपको 20 की रेस बढ़ाना, सेकंड गियर लगेगा, 30 की रेस बढ़ाएंगे थर्ड गियर लगेगा, 40 की रेस बढ़ाएंगे चौथा गियर लगेगा, 50 की रेस बढ़ाएंगे पाँचवा गियर लगेगा। एक टायर नीचे उतारो, आगे से गाड़ी आ रही है, साइड देख के चलो, हमेशा लोगों को साइड देख के निकलो, ठीक है, रेस मेंटेन करो। वैसे भी गाड़ी पर VIP नंबर लिखा हुआ था, बंदा वैसे नहीं हटाएगा, रेस मेंटेन करो, जानवर पर ध्यान रखते हुए चलो, कंट्रोल करो, फिर वापस रेस बढ़ाओ, गियर पे हाथ रहेगा क्योंकि हम मैनुअल करना है, क्या करना है, यहाँ हाथ हल्का रख के पहले 20 की रेस बढ़ाओ, स्टीयरिंग हाथ हल्का रखो, 20 की रेस बढ़ाओ, हो गई, एक बार प्लस कर दो, जैसे प्लस किया गियर सेकंड आ गया, ठीक है, और माइनस करोगे और गियर फर्स्ट आ गया, कौन सा आ गया, तो हम मैनुअल भी चला सकते हैं और इसको ऑटो भी चला सकते हैं, वापस उसमें ले लो गियर में, ऑटो में ले लिया हमने ऑटो मोड पे, ठीक है। जैसे आप ऑटो मोड लेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है, क्या लिख के आता है, 1D नीचे की साइड, और M ऊपर की साइड लिख के आता है बन के ऊपर। हल्का हल्का रेस मेंटेन करते हुए चलो, चलते रहिए, सड़क पे संभालो, बढ़ाओ रेस, बापे सेकंड गियर आ गया, कौन सा आ गया सेकंड, अब बापे 30 की रेस बढ़ाएंगे, बढ़ाओ 30 की रेस, तीसरा गियर आ गया, कितना आ गया, तो रेस बढ़ेगी तो गियर बढ़ेंगे, रेस कम करोगे तो गियर बढ़ोगे, अपने आप बढ़ते जाएंगे। इसको चलाना आसान है, इनको सीखने के लिए एक दिन लगता है, गियर वाली सीखने के लिए 15 दिन भी कम है, अगर ढंग से आपने माइंड सेट नहीं किया तो। बहुत अच्छे, चलते रहो, बहुत बढ़िया। तो आज हम आ गए सरोजा बस्ती रोड पे, काम वही है, लेफ्ट मिरर, सेंटर, राइट मिरर, पीछे वाला हॉर्न दे रहा है, आपका काम है सिर्फ अपना ये साइड पकड़ के चलते रहो, अपने आप ओवरटेक कर ले जाएगा, छोड़ दो, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत समझने में नहीं, अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड और रिवर्स स्टार्ट किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चलते रहिए, बहुत बढ़िया। जितना हाथ हल्का रहेगा गाड़ी उतनी कंट्रोल में, बहुत अच्छा। अभी भी हम सेकंड गियर में चल रहे हैं, लेफ्ट मिरर, सेंटर और राइट देखते हुए, एक्टर रहना है आपको, सोल्जर की तरह, ठीक है निखिल, चलते रहो। अब हम चलेंगे हाईवे की तरफ, आज चल रहे सोसा की तरफ, तो हमने क्या करना है, आज थर्ड फोर्थ अपना स्पीड पे कंट्रोल करके देखना है, चलते रहो, बहुत बढ़िया। आगे से जाएंगे राइट, ठीक है, गाड़ी ने इंडिकेटर दिया है, आप लेफ्ट चलने दो उसको, लेफ्ट ही रखो, बहुत अच्छे, उठ के देखना हमेशा, गुड, बहुत पास से निकाली है, कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अब जाना हमने तो राइट, तो राइट ले लो इंडिकेटर नीचे, ठीक है, राइट मिरर देखेंगे और राइट वाले बोनट को, राइट वाले बोनट के कॉर्नर को हमने 20 सेंटर लाना होता है राइट में, पहले तो सीधा चलो, बड़ा मोड़ करना है हमने, लेफ्ट क्लियर है, रेस लेके और रोड का लेफ्ट जाके मिलना है हमने, सीधा कर दो, उतना ही हाथ घुमाना है कि गाड़ी हमारी रोड के लेफ्ट पहुँचे, सीधा कर लो और रेस मेंटेन करके चलो, जैसे आगे माहौल बनेगा थर्ड फोर्थ का तो हम थर्ड फोर्थ गियर ले लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, फर्स्ट सेकंड और रिवर्स तीन गियर हमने अभी तक सीखे थे 4-5 दिन में, अब हम थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं, ठीक है, तो हम थर्ड फोर्थ और स्पीड देखेंगे, आप कैसे आपका अपना कंट्रोल आ रहा है, तेज चलाना गाड़ी को कोई कला नहीं है, कंट्रोल करना, सुरक्षित रहना और सेफ चलाना, अगर प्लीज ब्रेक, सामने ब्रेकर है, जैसे ब्रेकर दिखने बंद हो जाए तो ब्रेक छोड़ दो, हल्का हल्का रेस और फिर क्लच भी छोड़ दो, सिर्फ रेस का काम है अभी,
हाथ हल्का रखते हुए हाथ की पोजिशन ध्यान रखो अपने गियर के अकॉर्डिंग। स्टीयरिंग में सेट करवाता हूँ, राइट हैंड आपका स्टीयरिंग पर रहता है, लेफ्ट हैंड आपका गियर पर बना रहता है, जैसे रोडवेज वाले आपने ड्राइवर देखे होंगे। हम कहीं भी हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अगर आप अच्छे से सोचो तो कि मैं उससे क्या सीख रहा हूँ। चलते रहो, अब हम पुल पर चढ़ रहे हैं। माहौल बताता है आपने गियर कौन सा यूज़ करना है, और गियर बताता है आपको रेस कितना रखना है, ठीक है। तो माहौल आपका बनना है थर्ड गियर का, रेस बढ़ाओ थोड़ा सा, जगह खाली पड़ी है, क्लच नीचे, गियर थर्ड। तो पहले करेंगे आगे न्यूटन और झुका के एक बार और आगे, ये हो गया थर्ड, कौन सा हो गया okay. रेस मेंटेन करो, रेस मेंटेन करते हो धीरे धीरे, क्लच छोड़ते आना, क्या करना है क्लच छोड़ते आना है, बहुत बढ़िया। रेस मेंटेन कर चलो, अब यहाँ रेस रहेगी 30 से ऊपर, कितना रहेगा 30 से ऊपर, 40 से नीचे, बढ़िया रेस आ रही है, 40 से आपकी नीचे है और 30 से ऊपर है। आगे फिर आपको मौका मिलेगा तो आपने लगा लेना गियर, चलते रहो, बहुत बढ़िया। अपने कंट्रोल में लेके लेके चल रहे गाड़ी को, हमारे चौथा गियर नहीं इसलिए नहीं लगाया कि हमने लगातार 40 से ऊपर रेस रखनी थी, जो हम रख नहीं सकते। आगे क्रॉसिंग आ रही है, कंट्रोल करते हुए चलो, बहुत बढ़िया। थर्ड में निकाल सकते हैं, थर्ड में निकालो, नहीं निकलेगा तो सेकंड फर्स्ट भी लग सकता है, बहुत बढ़िया। अपने लेफ्ट में छोड़ो, लेफ्ट इतना चिपका के रखो कि बंदा आपके लेफ्ट से फिर निकले ही नहीं, क्योंकि रेत में से तो जाएगा नहीं कोई भी नहीं। तो अपने लेफ्ट पूरा पकड़ के रखो, ये बोनट को देखते हुए आपको किनारा बताएगा गाड़ी कहाँ चल रही है, ठीक है। गाड़ी के पास से निकल रहे, देखो ये कॉर्नर देखते हुए बोनट का, और रेत के यहाँ पास चला रहे हम। अब इतना रखो तो आपकी लेफ्ट साइड कवर है, जो भी बंदा निकलेगा राइट से निकलेगा तो आपने सेंटर मिरर ज़्यादा देखना है और राइट मिरर ज़्यादा देखना है। हल्के हाथ से रेस मेंटेन करते हुए चलते रहो, बहुत बढ़िया। थर्ड गियर में चल रहे हम, तो अभी हम थर्ड गियर में चल रहे हैं, आगे हम रेस बढ़ाएंगे 40 का। अपने लेफ्ट चलते रहो, सामने वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करते हुए 40 की रेस होगी। हाथ हल्का रखो, रेस को छोड़ दो, क्लिच दबाओ और दो बार पीछे हल्के से, एक दो, क्लिच छोड़ते आओ, रेस मेंटेन करो। दोनों हाथ हल्के चाहिए, एक हाथ टाइट होता है दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगा। दोनों हाथ गियर वाला भी हल्का चाहिए और आपका रेस स्टीयरिंग वाला भी। रेस बढ़ाओ, ट्रैक्टर को ओवरटेक करेंगे, जल्दी करो तेज। जब हमें ओवरटेक करना है तो हमने गाड़ी को तेज करना है और 20-25 कदम निकल के गाड़ी को धीरे धीरे जाके लेफ्ट कर लेना है, क्योंकि तो जल्दी से हमने लेफ्ट आना है। आगे से तो एक ही गाड़ी ओवरटेक करके आई है, हो सकता है दो गाड़ी आ रही हो, तो इसलिए हमने अपना चढ़ाई के दौरान पे हमने लेफ्ट आ जाना है। ऊंट गाड़ी को ओवरटेक करेंगे बस के आने से पहले, करिए। और 20-50 कदम आगे निकल के लेफ्ट कॉर्नर को देखते हो आपने अपनी साइड पकड़ लेना है। डीपर की जरूरत तब होती है अगर आगे से दो गाड़ियाँ आ रही हों ओवरटेक करके, या आप ओवरटेक कर रहे थे और आगे से गाड़ी वाला को रुक नहीं रहा, तब हम डीपर यूज़ करते हैं। लेफ्ट संभालते हुए, हाथ हल्का रखते हुए लेफ्ट लेफ्ट चलते रहिए। सिंगल रोड पे हो इसलिए आपको लेफ्ट किनारा नहीं छोड़ना है, लोग अपने आप निकलते रहेंगे, कोई दिक्कत आपको, हाथ हल्का रखो, गाड़ी को लेफ्ट कॉर्नर में संभालो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 80-90 चलाएंगे तो भी आप क्या कहते हैं रेस को बढ़िया रख पाएंगे, जैसे आपका कंट्रोल आ रहा है। स्लो करो, जानवरों पर दया करते हुए, जाने दो वो जानवर हैं, हम नहीं हैं, हमने क्या कैसे स्लो किया, ठीक है। या हमारी रेस क्या 40 से नीचे नहीं आई, इसलिए हमने गियर शिफ्ट नहीं किया, चौथे में वापस रेस उठा लिया, उठा कर रखो रेस, हाथ लग के हल्का रखते हुए लेफ्ट लेफ्ट चलते रहो। तो आपका दिन देखते हैं निखिल कितने दिन हुए। तो निखिल आपका नाम है, आप आए थे 30 तारीख को और आज तारीख हुई है 3, ठीक है। तो 4-5 दिन की आपकी वीडियो है ये, चलते रहिए, बहुत बढ़िया। लेफ्ट किनारे पर रखते हुए घुमा में भी हमने लेफ्ट रखना है, इस बोनट को देखते हुए किनारा नहीं छोड़ना है। आगे से ट्रक आ रहा है, आप अपना लेफ्ट मत छोड़िए, उतनी जगह है, दो ट्रक भी निकल सकते हैं, पर हमारी तो कार छोटी सी है। 800 का टॉप गियर फोर्थ गियर है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपकी कोई पांचवें गियर वाली गाड़ी होती तो पांचवा गियर वैसे लगता है जैसे सेकंड से आप थर्ड में जाते हो, तो चौथे से वैसे पांचवें में चले जाते हैं, ये आपको समझने का तरीका है। रेस मेंटेन रखो, चलते रहो, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी भी गियर में आपको,
कैसा सिखाया आपको बताइए? बहुत अच्छा सिखा रहे। कोई कमी रही? नहीं, बहुत बढ़िया। चलते रहो, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो छठवां दिन हो रहा है, अभी तो पिक्चर बाकी है। जब आप 5-6 दिन में इतना सीख रहे हैं तो बाकी पिक्चर में कितना बाकी है ना? चलते रहिए फिलहाल, बहुत बढ़िया। आगे देखो जानवर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवर हैं। पहले हम स्लो करते जाएंगे, क्या करेंगे, इस ट्रैक को स्लो करते जाओ, स्लो करते जाएंगे, जानवर तक पहुँचो। उसके बाद हमने मीटर पर रेस देखनी कितनी आ रही है। रेस आगे 20 की, क्लिच दबाओ नीचे, आगे न्यूटन, झुका के पीछे कर दो। ये आगे सेकंड में, किसमें आगे, आराम से सेकंड गियर में निकालेंगे। हॉर्न देते हो, हॉर्न दो, लिमिट का रेस रखेंगे जिससे इजी कंट्रोल कर सके। चलो जगह मिल गई, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे लेफ्ट लेंगे, बहुत बढ़िया, अपना लेफ्ट पकड़ लो। तो कहने का मतलब यह है कि माहौल कोई भी हो, सिटी का हो, हाईवे का हो, आप अपना कंट्रोल मत छोड़िए, लेफ्ट संभाल के रखो, लेफ्ट यहाँ पे संभाल के रखो, हल्के हाथ रखते हुए रेस बढ़ाएंगे वापस 30 का, बढ़ गया नीचे, और गियर तीसरा, वहाँ पर रेस बढ़ा लो और इधर धीरे धीरे के लिए छोड़ते हो। बहुत बढ़िया, चलते रहिए लेफ्ट लेफ्ट, बहुत अच्छे, सुपर, अच्छा काम किया। तो मैं आपकी जो कल हमने ऑटोमेटिक कार सीखी थी उसकी वीडियो भी ऐड कर दूंगा इसके साथ, आज वाली आपकी वीडियो और यूट्यूब पे आपकी वीडियो पहुँच जाएगी। अपने यार दोस्तों से कहना कि गाड़ी को सीख देखे पहले तो YouTube पे, और उनका अच्छा लगा है तो सीखने के लिए भी आए और पूरा वीडियो देखे, तब समझ में आएगा कि क्या सीखा है और क्या सिखाया गया है। बहुत बढ़िया, सुपर, चलते रहिए। हाले दिल कोई छुपाए